कोटा के सबसे बड़े अस्पताल महाराव भीम सिंह अस्पताल के पर्ची काउंटर पर एक संविदा कर्मी गुरुवार सुबह की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव निकला है। इसके बाद अन्य संविदा कर्मियों में हड़कंप मच गया है। मेडिकल टीम द्वारा सभी संविदा कर्मियों की सैंपलिंग कराई गई है। गुरुवार को कोटा शहर में 9 कोरोना पॉजिटिव केस आए, इसमें एक MBS अस्पताल का पर्ची काउंटर संविदा कर्मी भी शामिल है। इसके बाद एहतियातन अस्पताल प्रशासन द्वारा अन्य सदस्यों की भी सैंपलिंग करवाई गई है। मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में COVID-19 सस्पेक्टेड वार्ड में ड्यूटी कर रहा 35 वर्षीय रायपुरा निवासी ECG टेक्नीशियन पॉजिटिव आया है। बीते 3-4 दिनों से बुखार की शिकायत होने पर उसने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया था। वहीं MBS अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पर्ची काटने का काम करते 24 वर्षीय पूनम कॉलोनी निवासी युवक भी संक्रमित मिला है। इस युवक को भी बुखार की शिकायत थी। बीते दिनों पॉजिटिव आए केथू निवासी बुजुर्ग की 42 वर्षीय बेटी भी संक्रमित मिली है। रावतभाटा निवासी ये महिला अपने भाई की मौत के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए केथून आई थी। टिप्पा निवासी एक युवक बीते दिनों पॉजिटिव आया था। ये सेंट्रल स्क्वायर मॉल में काम करता था। इसके बाद एक अन्य युवक भी जो मोबाइल शॉप पर कार्य करता था, वह भी 2 दिन पहले पॉजिटिव मिला था। इसके बाद गुरुवार को फिर 3 लोग सेंटर स्क्वायर मॉल की मोबाइल शॉप में काम करने वाले पॉजिटिव आए हैं। इसमें विज्ञानगर निवासी 23 वर्षीय युवक संक्रमित मिला है। इन्हीं की दुकान में काम करने वाला जवाहरनगर निवासी 25 वर्षीय अन्य युवक भी पॉजिटिव पाया गया है। मोबाइल फाइनेंस का काम करने वाले 24 वर्षीय युवक भी जो है संक्रमित पाया गया है। ये भी शहर की अन्य कई दुकानों पर जाता था और अधिकांश समय सेंट्रल स्क्वायर मॉल की दुकानों पर बिताया करता था। बूंदी शहर में भी कोटा से अप डाउन करने वाले मोबाइल की शॉप पर काम करने वाला युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है। बूंदी शहर के विकास नगर कॉलोनी में रहने वाला युवक पॉजिटिव निकलने के बाद में कॉलोनी के इलाके में और वहां के रहने वालों में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना मिलने पर प्रशासनिक अमला, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंचा, जहां पर युवक के माता पिता सहित 2 अन्य दोस्तों की सैंपलिंग कर ली गई है। वहीं युवक कोटा ही था जिसे मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। नगर परिषद द्वारा दमकल से इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर 0 मोबिलिटी विकास नगर इलाके को अब घोषित कर दिया गया है तथा 20 से ज्यादा परिवारों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। संपर्क में आई कई दुकानदारों को भी होम क्वारंटाइन करते हुए दुकान बंद करवाई। वहीं संदिग्ध व संपर्क में आए सभी लोगों की कल स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी तथा 15 दिन तक इलाके के लोगों पर स्वास्थ्य विभाग पूरी निगाह बनाए रखेगा। बूंदी शहर में ये पहला मामला कोरोना का सामने आया है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि एक एक करके बूंदी में लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर विकास नगर में हमें BCMHO साहब ने इन्फॉर्मेशन की कि यहाँ पे कोई लड़का है 23 साल का मिहिर, वो मतलब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो जब जानकारी ली परिवार के सदस्यों से तो उन्होंने बताया था कि वो 20 तारीख को यहाँ आया था और 22 तारीख को वो यहाँ से गया है। उसके बाद रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हम सभी यहाँ आए हैं। यहाँ का सर्वे चल रहा है। हम लोगों ने पर्चे चिपका कर सब परिवार वालों को भी इनको और आसपास पड़ोसियों को पाबंद किया है और हम इस एरिया को पैक करवा रहे हैं।